शेरनगर में बाढ़ आ गई थी। गांव में चारों तरफ पानी ही भरा था। गांव के मुखिया और कुछ लोग सामान लेकर एक सुरक्षित जगह पर चले जाते हैं। हम अपने घरों को छोड़कर यहां पर तो आ गए हैं, लेकिन देखो ये जंगल है तो हमें तरह तरह की मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। पानी तो यहाँ पर भी भरा हुआ है, लेकिन यहाँ हम पेड़ पौधे और लकड़ियों से घर बनाकर रह सकते हैं। हाँ मुखिया जी, आप सही कह रहे हो, हम ऐसा ही करेंगे। खाने पीने के लिए थोड़ा बहुत जो सामान है वो हमारे लिए तब तक पर्याप्त होगा जब तक ये बाढ़ की मुसीबत टल ना जाए। तभी दूसरा गाँव वाला कहता है, मुखिया जी मीनू बहुत परेशान है। उसके घर में बहुत सारा सामान था जो खराब हो गया। उस घर में मीनू के मरे हुए पति की यादें थीं और वो उन्हें बचा नहीं पाई, इसीलिए वो उदास है। तभी मुखिया जी मीनू के पास जाते हैं। देखो मीनू, ये तो प्राकृतिक आपदा है, इसे ना मैं टाल सकता हूँ ना तुम टाल सकती हो। जो होना था वो हो गया, अब तो ये सोचो कि हमें आगे का जीवन कैसे बिताना है। आप सही कह रहे हैं मुखिया जी, मुझे अपने दुख को भूलकर अपने गांव वालों के दुख में शामिल होना चाहिए। अगली सुबह औरतें जंगल में मजबूरी में शौच करने जाती हैं। तभी वहां से एक आदमी गुजरता है। आदमी औरतों को देखकर अपना मुंह छुपाते हुए चले जाता है। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है, ऐसे शौच करना तो संभव ही नहीं है। पहली बात तो खुले में शौच, और ऊपर से डर की कोई देख न ले। बहन तुम सही कह रही हो, पर अब करे तो क्या करें। वो औरतें बात ही कर रही होती हैं, तभी उनके बीच मौजूद रुक्मणी को एक जहरीले सांप ने काट लिया, जिस कारण वो बेहोश हो गई। अरे बचाओ बचाओ, अरे रुक्मणी को सांप ने काट लिया। हम तो पहले ही कह रहे थे खुले में शौच करना खतरनाक हो सकता है। अभी इस बारे में बात करने से ज्यादा जरूरी रुक्मणी का इलाज करवाना है, इसको लेकर वैद्य जी के पास चलते हैं। गाँव की औरतें रुक्मणी को वैद्य के पास लेकर जाती हैं। इसके शरीर में जहर पूरी तरह से फैल चुका है, हमें इसे अस्पताल लेकर जाना होगा। पर वैद्य जी, इतनी बारिश में हम कहाँ इसे अस्पताल लेकर जाएंगे, ऊपर से बाढ़ की वजह से सब तबाह हो गया है, आप ही कुछ कीजिए। ठीक है, तो फिर कुछ गांव वाले मेरे साथ जंगल की जड़ी बूटियाँ ढूंढने चलो, हमारे पास समय कम है। फिर कुछ गाँव वाले और वैद्य जड़ी बूटी ढूंढने लगते हैं, और बहुत मेहनत के बाद उन्हें जड़ी बूटी मिल जाती है, और वैद्य जी रुक्मणी को जड़ी बूटी खिलाकर सही कर देते हैं। अब ये बिल्कुल सही है। वैद्य जी ये तो सही हो गई, लेकिन अब से हम खुले में शौच नहीं करेंगे। आज इसके साथ ये हुआ, कल को किसी और के साथ भी तो हो सकता है, और ये तो बच गई। पर जरूरी नहीं कि सबकी किस्मत रुक्मणी जैसी ही हो। फिर सब लोग आपस में बातचीत कर रहे होते हैं, और थोड़ी देर बाद मुखिया से कहते हैं, मुखिया जी हम लोग शौचालय निर्माण करते हैं, अभी बारिश का कुछ नहीं पता, और औरतें जंगल में शौच करने नहीं जाना चाहती, हमें कुछ तो करना चाहिए। कुछ न कुछ तरीका तो सोचना पड़ेगा। बिरजू कहाँ है, वही सबसे समझदार व्यक्ति है, वही कुछ सोच सकता है। बिरजू को बुलाया जाए। बिरजू सोया हुआ था, तभी राकेश उसके पास जाता है। अरे बिरजू, तुझे मुखिया जी बुला रहे हैं। इतनी सुबह सुबह, उन्हें मेरे से क्या काम है। वैसे तो मुखिया बोलता है कि मैं एक नंबर का नालायक हूँ, अब मेरे से उसे क्या काम पड़ गया। राम जाने, लेकिन उन्होंने तुम्हें बुलाया है तो जल्दी चलो। बिरजू उठकर मुखिया के पास जाता है। हाँ मुखिया जी बोलिए, क्या कहना था, क्यों मेरी नींद खराब करी, इतनी सुबह भला कौन किसको बुलाता है। बिरजू देख, हमें पता है कि तू गाँव का सबसे समझदार और बुद्धिमान आदमी है। हम चाहते हैं कि तुम हमें एक उपाय बताओ कि इस बार बारिश में महिलाओं और पुरुषों के लिए शौचालय केंद्र कैसे बन सकता है। इसमें मैं क्या करूं, और वैसे भी तुम्हारी मदद करने से मुझे क्या मिलेगा। देख जो तू कहेगा हम मिलकर तुझे देंगे, बता तुझे क्या चाहिए। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरी पारो दिला देना, जिसकी वजह से तुमने मुझे सारे गाँव के सामने शर्मिंदा किया था। चल ठीक है, तू इस मुसीबत से हमें छुड़ा, फिर मैं तेरी शादी पारो से ही करा दूंगा। मुझे दोपहर तक का समय दो, मैं कुछ ना कुछ करूंगा और आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा। बिरजू बैठा हुआ सोचता है, इतने में ही पारो उसके पास आ जाती है। अरे तुमने क्या बात फैला रखी है, तुम क्या करने वाले हो, सुना है तुम कुछ कमाल करोगे, फिर हमारी शादी होगी। मैं तुम्हें पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, मैंने कुछ सोचा है, तुम बस यहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। बिरजू गांव वालों के पास जाता है। सुनो 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 गांव वालों, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे तुम लोगों की मदद की जरूरत होगी। क्या मुखिया जी ये लोग मेरी मदद करेंगे।
हाँ हाँ भाई, सब तेरी मदद करेंगे। बता क्या करना है? बस हमें अपने शौचालय से मतलब है। तू जो कहेगा साह हुकुम मानकर उसे मानेंगे। सब मेरे साथ चलो, और बांबू लेकर आते हैं। बिरजू गांव वालों के साथ मिलकर बंबू लेकर आता है और उनको खोखला करके एक लंबा सा पाइपलाइन जैसा बनाता है, जिसको उसने अपने रहने के एरिया से काफी दूर फैला दिया था। अब देखना गांव वालों, मेरा कमाल। फिर बिरजू गांव वासियों की मदद से बंबू और लकड़ियों से एक शौचालय तैयार करता है और कहता है, ये देखो भाइयों, अब सब इसमें शौच कर सकते हैं, और आपका शौच आसपास में नहीं बल्कि दूर नाले में चला जाएगा। इन बांबू के रहते हुए हम बीमारियों से भी बचे रहेंगे और ये हम लोगों के लिए सेफ भी रहेगा। शौचालय बना हुआ देख मुखिया जी कहते हैं, वाह बिरजू, तूने तो सच में कमाल कर दिया। हमने तो ऐसा सोचा भी नहीं था कि लकड़ियों से भी शौचालय और पाइपों का काम बांबू से लेकर तुम ऐसा शौचालय बना दोगे। सच में तुम कमाल हो, तुम्हारी बुद्धि की तो हमें दाद देनी पड़ेगी। अरे वो सब बाद में दे देना, लेकिन पहले पारों का हाथ मेरे हाथ में दो। तुमने वादा किया था कि पारों की शादी मुझसे करा दोगे। नहीं नहीं, मैं अपनी बिटिया की शादी तुझसे क्यों कराऊंगा भला? तेरे जैसे निठल्ले से मेरी बिटिया का फ्यूचर क्या होगा? तू खुद क्या खाएगा और उसको क्या खिलाएगा? मुखिया जी बिरजू की साइड से कहते हैं, अरे बिरजू निठल्ला नहीं है। किसने कहा बिरजू निठल्ला है? वो तो बहुत काम का है, इसका दिमाग सबसे अलग चलता है। और बिरजू, मैं तुम्हें एक सलाह देना चाहता हूँ। हाँ मुखिया, बताओ क्या सलाह देना चाहते हो? जब ये बात चल ही गई है तो बिरजू, तुम ऐसा करना कि लकड़ी से शौचालय बनाकर पैसों में बेच दिया करना। लोग तुम्हारे शौचालय को पसंद भी करेंगे और तुम्हारे पास पैसे भी आने लगेंगे। ठीक है मुखिया जी, आपने सही कहा। अब आप पारो और मेरी शादी के लिए हाँ तो कहो, बाकी मैं सब कर दूंगा। ठीक है, मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे करा दूंगा, पर अब तुम काम करना शुरू कर दो। बहुत अच्छे, पारो लो, पकड़ लो मेरा हाथ और अब बन जाओ मेरे जन्म जन्म का प्यार। नहीं नहीं, मैं नहीं चल रही तुम्हारे साथ, और मुझे नहीं बनना तुम्हारा प्यार। क्या अब तुझे क्या हो गया पारो? इतनी मुश्किल से तो तेरे पिता को मनाया है और अब तू ड्रामा कर रही है। क्या तू अब किसी और से प्यार करती है? अरे मैं तो मजाक कर रही थी मेरे प्यारे बिरजू, मैं तुमसे ही शादी करूंगी। और फिर खुशी खुशी गांव वाले बिरजू की शादी पारो से करा देते हैं और बिरजू को पारो भी मिल जाती है, और साथ ही वो अपना शौचालय का काम शुरू कर देते हैं। और फिर लोगों को बाढ़ में भी शौचालय मिलने शुरू हो गए। यशोदा अपने पति मदन के साथ हरिपुर में रहती थी। मदन और यशोदा एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। यशोदा गर्भवती थी और 3 महीने का बच्चा उसके पेट में था। एक दिन मदन किसी काम से शहर जाने का बोलकर दोबारा वापस नहीं आया। एक दिन यशोदा को मदन का फोन आता है। यशोदा मेरा इंतजार मत करना, मैं गरीबी में दिन नहीं काट सकता, मैंने एक अमीर लड़की से शादी कर ली है। अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं? नहीं, मुझे अपने बच्चे के लिए जीना है, मुझे अपना पेट भरना होगा। मैं काम करूंगी, मेहनत करूंगी, अपने बच्चे को जीवन की सारी खुशियां दूंगी। यशोदा अपने आप से वादा करती है कि वो हिम्मत नहीं हारेगी, वो अपने बच्चे को सुरक्षित दुनिया में लाएगी और उसका पालन पोषण करेगी। यशोदा मजदूरी का काम करने लगती है। गर्भवती होने के बावजूद भी वो मकानों में ईंटें ढोने का काम करती है। जहां भी मजदूरी का काम मिले वो करती है। धीरे धीरे वक्त बीतता है। यशोदा पड़ोस में रहने वाली दाई माँ को बुलाती है। दाई माँ आती है और यशोदा एक बेटे को जन्म देती है, जिसका नाम वो वंश रखती है। अब यशोदा वंश को लेकर मजदूरी करने जाने लगी। वो वंश को एक चादर पर लिटा कर फिर काम करती और मजदूरी के पैसों से दूध का इंतजाम करती। एक दिन, यशोदा बहुत आंधी और तूफान है, पूरी बस्ती डूब जाएगी, हमें ये झुग्गियां खाली करनी होंगी, चल जल्दी चल, नदी पार करके दूसरी जगह जाना होगा। इतने तूफान और बारिश में वंश को लेकर कैसे जाऊं? ये पन्नी लपेट देती हूँ इसे, ये ठीक रहेगा। तेज बारिश और तूफान में बस्ती के लोग बचने के लिए नाव पर दूसरी जगह पहुंचने लगे। बारिश का पानी बढ़ता ही जा रहा था। यशोदा भी एक नाव पर वंश को गोद में लेकर बैठी थी कि तभी, अरे ये क्या है, मगरमच्छ? यहाँ कैसे? ये तो झपट रहा है, मेरे बच्चे को मुझे बचाना होगा। नहीं, मेरा बच्चा, ये हम दोनों को अपना शिकार बनाने की कोशिश कर रहा है। आह नहीं, हे भगवान। मगरमच्छ वंश को झपटना चाहता था पर यशोदा उसके सामने से नहीं हटी।
मगरमच्छ यशोदा के मुंह को दबोचना चाहता था, पर यशोदा ने एक डंडे से उसे हटाया। मगरमच्छ ने यशोदा के मुंह पर वार किया और यशोदा के मुंह पर गहरा जख्म हो गया, जिससे उसका चेहरा खराब हो गया, पर यशोदा ने अपने बेटे की जान बचा ली। धीरे धीरे दिन बीतने लगे, अब वो स्कूल जाने लगा था। एक दिन, माँ कल मेरे स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग है, सभी के मम्मी पापा आएंगे, तुम भी चलना माँ। ठीक है वंश, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। अगले दिन यशोदा वंश के साथ स्कूल जाती है। यशोदा के चेहरे को देखकर स्कूल के सारे बच्चे वंश का मजाक उड़ाने लगते हैं। वंश ये तेरी माँ है, इनका एक कान कहाँ गया और चेहरा भी कितना गंदा है। ये चेहरा ज्यादा मत देखो, नहीं तो रात में डरावने सपने आएंगे, चलो चलो यहाँ से। वंश गुस्से में घर आ जाता है। क्या हुआ वंश, तुमने अपनी टीचर से भी नहीं मिलवाया, ऐसे ही वापस आ गए। तो और क्या करता माँ, तुम्हारा ये बदसूरत चेहरा देखकर स्कूल के सभी बच्चे मेरा मजाक उड़ा रहे थे, आप मेरी माँ नहीं होती तो अच्छा होता। वंश गुस्से में अपने कमरे से चला जाता है। यशोदा रोने लगती है। वक्त बीतता है, वंश अब बड़ा हो गया था। कॉलेज की लड़की शीना वंश को चाहती थी, वंश भी शीना से प्यार करता था, इसलिए दोनों शादी कर लेते हैं। शीना यशोदा के चेहरे से नफरत करती थी, जब भी यशोदा उसके सामने आती वो गुस्से में आ जाती थी। एक सुबह, वंश अपनी माँ को साफ मना कर दो, मेरे सामने सुबह सुबह अपना डरावना और मनहूस चेहरा लेकर ना आया करे। तुम गुस्सा मत करो शीना, मैं माँ को समझा दूंगा। यशोदा ये सब सुन लेती है और रसोई में जाकर रोने लगती है। तभी वंश आ जाता है। माँ तुम्हें कितनी बार समझाया है, शीना के सामने मुंह को ढककर जाया करो, इस चेहरे को देखकर वो घबरा जाती है। बचपन की बात और थी, मैंने झेल लिया, पर शीना मेरी पत्नी है, उसे इस घर में तकलीफ होगी तो मैं उसे लेकर हमेशा के लिए चला जाऊंगा। यशोदा चुपचाप वंश की कही बातें सुनती रहती है और मन ही मन रोने लगती है। धीरे धीरे समय बढ़ता है, शीना अब माँ बनने वाली होती है। शीना का नौवां महीना शुरू हुआ था। वंश को कंपनी के काम से 10 दिन के लिए दूसरे शहर जाना था। वो शीना से बोला, शीना मुझे कंपनी के काम से दूसरे शहर जाना है, 10 दिन लगेंगे, तुम अपना और होने वाले बच्चे का ध्यान रखना। वंश तुम 10 दिन के लिए जा रहे हो, यहाँ मैं माँ जी के साथ कैसे रहूंगी, उनका चेहरा देखकर मुझे बहुत डर लगता है, मुझे बहुत चिढ़न होती है, तुम ये जाना मना नहीं कर सकते। और कितने दिन लगेंगे तुम्हें नया घर ढूंढने के लिए, मेरे से अब यहाँ और नहीं रहा जाएगा। नहीं शीना, ये मेरी नौकरी का सवाल है, अगर मैं नहीं गया तो नौकरी चली जाएगी, मेरा जाना जरूरी है, फिर कुछ ही दिनों की तो बात है, और मैं आ जाऊँ फिर हम कहीं और चलकर रहेंगे, माँ को यहीं रहने देंगे, अब तो ठीक है। हाँ, इस शर्त पर तो मैं तुम्हें जाने की इजाजत देती हूँ, मैं चाहती हूँ हमारा बच्चा हॉस्पिटल से सीधा हमारे नए घर में ही जाए। यशोदा वंश के घर छोड़ने की बात को सुनकर घबरा जाती है, पर उस वक्त वो वंश को कुछ नहीं कहती। वंश 10 दिनों के लिए शहर से बाहर चला जाता है। शीना उसके पीछे से एक दिन अपनी सहेली निशा को घर बुलाती है। अच्छा हुआ निशा तू आ गई, वरना मैं तो अपनी सासू माँ का डरावना चेहरा देखते हुए परेशान हो रही थी। चल आजा अंदर, एयर कंडीशनर की ठंडी हवा में बैठते हैं, मैंने वंश को कहकर अपने कमरे में लगवाया है। हाँ यार, ये तूने अच्छा किया, थैंक गॉड बाहर इतनी धूप थी, ये ठंडी हवा अच्छी लग रही है। यशोदा उन दोनों के लिए चाय लाती है। शीना, आंटी जी का चेहरा तो सच में बहुत ही बदसूरत है, एक कान कटा हुआ, गाल वाला हिस्सा भी कटा सा है, आखिर इनका चेहरा ऐसा क्यों है? पता नहीं, वंश ने बताया था जब से उन्होंने होश संभाला तब से उन्होंने माँ जी को ऐसे ही देखा है। मैंने तो वंश को कह दिया है वो वापस आ जाए, मैं तो अलग घर में रहूंगी। थोड़ी देर बाद निशा चली जाती है। रात में शीना जब अपने कमरे में सो रही होती है तभी एसी में आग लग जाती है। शीना गहरी नींद में होती है, उसे होश ही नहीं होता। धीरे धीरे आग पर्दों तक फैल जाता है। आग जब फैलने लगती है शीना अचानक से उठती है और बचाओ बचाओ चिल्लाने लगती है। बचाओ बचाओ आग, माजी माजी मुझे बचाओ। रुको बहू, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी, तुम और तुम्हारा होने वाला बच्चा मेरे वंश की जिम्मेदारी हो। आग बढ़ जाती है और कमरे के दरवाजे तक पहुंच जाती है। यशोदा एक कंबल ढूंढती है और किसी तरह आग से निकलकर शीना तक पहुंचती है। शीना, ये कंबल को अच्छी तरह ओढ़ लो, मेरे होते हुए तुम्हें कुछ नहीं होगा। माँ जी, मेरे बच्चे को कुछ हो गया तो? कुछ नहीं होगा, मुझ पर विश्वास करो। आग कमरे के बाहर पहुंच चुकी थी। बड़ी मुश्किल से यशोदा शीना को बचाकर बाहर निकल रही होती है।
जैसे ही वो शीना को घर के बाहर करती है तब तक उसके खुद के कपड़े आग की पकड़ में आ चुके होते हैं। बाहर खड़े लोगों ने फायर ब्रिगेड को बुला लिया था पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। यशोदा का शरीर आग की चपेट में आ चुका था। यशोदा और शीना को कुछ लोग अस्पताल ले जाते हैं। शीना एक बेटे को जन्म देती है। यशोदा जली हुई हालत में थी फिर भी वो डॉक्टर से पूछती है, डॉक्टर मेरी बहू कैसी है? वो बिल्कुल ठीक हैं। उन्होंने एक बेटे को जन्म दिया है। वंश को जब ये खबर मिलती है वो सीधा हॉस्पिटल पहुंचता है। शीना तुम ठीक तो हो ना? हमारा बच्चा, भगवान का लाख लाख शुक्र है तुम दोनों ठीक हो। वंश आज मैं अगर जिंदा हूँ तो सिर्फ माँ जी की वजह से। आज उन्होंने मेरी जान बचाई है पर वो खुद आग का शिकार हो गई। क्या माँ कहाँ है? डॉक्टर मुझे उन्हें देखना है। देखिए मिस्टर वंश, आपकी माता जी का 80% शरीर आग में झुलस चुका है, बस वो आपका ही नाम ले रही हैं। माँ हमने आपको हमेशा कोसा, बात बात पर दुख दिए, फिर भी माँ क्यों क्यों मैंने आपको बहुत दुख दिए है माँ। वंश तू मेरा बेटा है और एक माँ अपने बच्चे से कभी नाराज नहीं होती। मेरे पोते का चेहरा नहीं दिखाएगा आखिरी बार। माँ ये आपका पोता, इसे नाम दो माँ। मेरा छोटा वंश, मेरा वीर। इतना कहते ही यशोदा ने आखिरी सांस ली। वंश और शीना माँ के इस बलिदान को देख फूट फूट कर रोने लगे। वंश माँ के साथ बीते पलों को याद करने उसी पुराने घर में जाता है। वहाँ उसे पता चलता है कि बचपन में मगरमच्छ से वंश को बचाते हुए यशोदा का चेहरा खराब हो गया था। ये सब सुनकर वंश माँ को याद करके रोने लगता है। माँ मुझे माफ कर दो, अपने बेटे को माफ कर दो। वंश और शीना यशोदा की याद में एक अनाथ आश्रम खुलवाते हैं जिसका नाम रखते हैं माँ।